दरार इसलिए आई कि वो जिस तरीके से इस मुल्क और गवर्नर्स और जिस तरीके से ये घरेलू मामलात और जो करप्शन हो रही थी, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वरना आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो और वो बंदा इकतदार में आ जाए तो आप उसको छोड़ते नहीं हैं। मैंने विद इन वन ईयर छोड़ा, मैसेज करके, नंबर ब्लॉक करके, जो कि आज तक मैंने नहीं खोला। और मैं ये आपको वक्त बताएगा कि ये शख्स पाकिस्तान के खिलाफ था, ये एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है, ये टोटल फ्रॉड और झूठा आदमी है, इसने किसी चीज़ पे अमल नहीं किया। और इसने मुझे, मतलब मैंने ही धोखा नहीं खाया, बहुत से और लोग हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है जिन्होंने धोखा खाया। मेरा उसका कुछ जाती इख्तलाफ नहीं है, ना हमारी कोई ज़मीन इकट्ठी है, ना कोई बिजनेस इकट्ठा है, लेकिन मैं ये समझता था कि, और वही हुआ, आप देख लीजिए 5.8 पे उन्होंने आपको इकोनॉमी दी, आपको आगे चलना था, डॉलर रेट क्या था, महंगाई क्या थी, आज इतनी डिठाई से ये झूठ बोलते हैं साहब। वरना जो कुछ ये इन्होंने पौने चार साल में किया, ये आज उसी का नतीजा है। और ये अगर रहता, ये भी कहता है ना श्रीलंका बनेगा, ये श्रीलंका बनाने के चक्कर में था इस मुल्क को। देखिए, दुनिया में जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो ये नहीं है कि पाकिस्तान में आके कब्जा कर लेंगे। अब वो थ्योरी पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। आप फाइनेंशियली किसी मुल्क को डाउन कर दें, उसके सारे जो इनकम के ज़राए हैं, इसने बड़ी टेक्निकल तरीके से ये काम किया और पे दर पे इसने चीज़ें बदली हैं। और वरना आप, मतलब आप अपने घर को कैसे खुद तबाह कर सकते हैं। तो ये वरना देखें, ये लंबे अरसे की एक गेम है जिसका ये एक हिस्सा था। अभी भी ये रोज़ बयानियाँ बदल रहा है, इसको समझ नहीं आ रही। और जिस तरीके से ये लोगों को वरगला रहा है रियासत और रियासत के इदारों के खिलाफ, ये कोई सियासतदान नहीं कर सकता जो मुहिब वतन हो। ये शख्स, अच्छा दूसरी बात है, इसका स्टेक क्या है? इसका तो इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है। ये लोगों को कहता है, इसके बच्चे कहाँ हैं? ये बच्चों से कितना मिलने जाता है? ये इसका इस्लाम से क्या तल्लक है? इससे पूछे कोई कुरानी आयत सुना दे आपको। ये सुनी सुनाई बात करता है, जिसका माजी इतना गलीज हो, इतना नफरत ज़दा हो। मतलब मैं कोई इस्लाम का चैम्पियन अपने आप को शो नहीं करूँगा, मेरे में बहुत सी खामी है। मैं मज़हब का हथियारा लेके आपको कायल करने की कोशिश नहीं करूँगा, वो मुनाफ़कत होती है। और मज़हब को आड़े ला के लोगों को इमोशनल करके, आपने देख ही लिया, वो कहता है इस्लामी टच दो जी इसमें, तो इस्लामी टच आ जाता है। तस्बीह पकड़ लिए, क्या पढ़ता है ये तस्बीह पे? बिद्दत ये करता है, मज़ारों पे सजदे बेगम की वजह से इसने किए। तो कौन सा इस्लाम और कौन सा फलसफा और कौन सा अकीदा है आपका? तो ये एक फ्रॉड था जिसकी हकीकत दिन ब दिन आपको पता चल जाएगी और पूरी कौम को पता चलेगी। मैंने भी लोगों से ही सुना, मैंने खुद कभी देखा नहीं कि वो कौन सी मंशियात इस्तेमाल करते हैं। मैंने सुना बहुत, लेकिन जहाँ तक कौन चौधरी का तल्लक है, मेरा नहीं ख्याल वो इस चीज़ में इन्वॉल्व था या वो खुद कोई मंशियात यूज़ कर रहा था। नई मलक मरहूम और कौन चौधरी बाकी सारा काम पॉलिटिकली मीटिंग्स और ये वो कर आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो खान साहब के ऑफ आवर्स में उनके साथ होते थे, उनके बारे में शक और बातें ज़रूर थीं कि ये वो टोला है जो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है। मैंने खुद कभी नहीं देखा उनको। बहरहाल वो लोग जो हैं वो इस्लामाबादी के थे, उनके बारे में मशहूर था कि ये वो ग्रुप है जो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और चौधरी उस ग्रुप में शामिल नहीं था। देखिए जी, मैं तो उनकी इस बेगम को कभी नहीं मिला, लेकिन जो मैंने सुना और जो देखा भी है कि उनका होल्ड बहुत ज़्यादा है, वो उनकी बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। उन्होंने जो भी करामात और करिश्मात दिखाए, वो खान साहब उससे खासे इम्प्रेस दिखाई देते हैं। अब रिसेंटली जो ऑडियो रिलीज़ हुई, उसमें भी वो जिस तरीके की गुफ्तगू कर रही है, फिर वैसे भी पॉलिटिशियंस जो उन्हीं की जमात के लोग थे, उनको भी वो गाय बगाए गाइड कर रही थी कैसे करें और वैसे करें, और प्लेसमेंट भी उनकी मर्ज़ी से हो रही थी।
तो खान साहब का ये इशू है वो बहुत जल्द इम्प्रेस होते हैं और वो क्योंकि जो उनकी बेगम है वो खासी एक्सपीरियंस्ड खातून है, उनको शायद इल्म था कि खान साहब को कैसे, और वो शादी भी उन्होंने जिस तरीके से खान साहब को की घेरा, तो उसमें मैं इस खान को मार्जन देता हूँ कि किस तरीके से वो इस चक्कर में फंस गया। तो होल्ड बहुत ज़्यादा है, स्टिल शी इज़ होल्डिंग द पावर। और उसी के तहत आप देखिए कि उस्मान बुज़दार को सिर्फ बेगम साहब की ख्वाहिश पे लगाया गया, उसका तरीके इंसाफ से कोई तल्लक नहीं था, पार्टी में कोई जानता नहीं था, और फिर उसी का रिजल्ट है कि आज उस्मान बुज़दार कहाँ है। अदरवाइज़ उसको पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस की कंपेन रन करनी चाहिए थी, उसको मार्केट में होना चाहिए था। वो अपने कारनामे पौने चार साल के बताता कि मैंने ये किया और पंजाब की मैंने बड़ी खिदमत की है। तो जो खिदमत उन्होंने बुज़दार साहब ने की वो आपके सामने है, फरा गोगी है, और जो कमीशन अपोजिशन कहती है बनी गला में आता रहा खरबों अरबों रुपए। तो ऐसे में मतलब उन्होंने ही ओम चौधरी को निकलवाया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकलवाया, उन्होंने DGISI चेंज करवा दिया, वो जो 3 कैरेट 5 कैरेट और फिर 12 कैरेट जो था वो उसकी वजह से चेंज हो गए। तो इतनी मतलब अगर आप अपनी बेगम की इतनी बात सुने और उसके खिलाफ कोई बात ना सुने तो इसका मतलब है कि आप उस बेगम का खासा होल्ड है इन पर। देखिए मुझे क्योंकि ये जो लोग रिकॉर्ड करते हैं नेचुरली मेरा तो कोई उधर उस तरीके का रबता नहीं है कि वो मुझे बताएं, लेकिन रिकॉर्डिंग तो होती है, बहरहाल एजेंसीज करती हैं और टाइम टू टाइम चीज़ें निकाल भी देती हैं ताकि उस पर अगर किसी की फेवर करनी है और किसी की फेवर नहीं करनी और उसको मार्केट में गंदा करना है तो ये तो पॉलिटिशियंस को खुद सोचना चाहिए। क्योंकि अपने इक्तदार में अगर वो 10 लोगों की रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी ना हो, एजेंसीज डबल प्ले करती हैं हमेशा। तो मैं तो कल भी एक टीवी टॉक शो में था, मैं उसमें यही कह रहा था कि इनको फिर लॉ बनाना चाहिए कि कौमी असम्बली में एक लॉ पास करवा लें कि कोई एजेंसी किसी का फोन टैप ना करे, और वो सबके लिए बेहतर है, लेकिन अगर कोई हुक्मरान खुद ही फ़ोन टैपिंग में इन्वॉल्व हो तो फिर एजेंसीज उसका भी करती हैं, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी करते हैं। मार्केट में चीज़ें आ रही हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में कौन सी चीज़ आएगी। रुकावट तो वैसे नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें इत्तेहादी में है, ये सोच समझ कर और सॉलिड तरीके से इसके खिलाफ जाना चाहते हैं, हेस्ट में कोई केस नहीं बनाना चाहते कि इसकी अगले दिन जमानत हो, गो के जुडिशरी और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको फेवर दे रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा ये अरेस्ट भी होगा, ये जेल भी जाएगा, ये बहुत ही बुजदिल आदमी है और इसको जो ख़तरा है, और इसने पहले भी आर्मी चीफ से कहा कि मुझे गारंटी करें कि मेरे खिलाफ केसेस नहीं बनेंगे, और उन्होंने कहा कि इसको अरेस्ट ना करें, तो वो उनको टाइम लगा, ये दिलेर बन गया, हालांकि है नहीं। साइकोलॉजी में जो शख्स जिसमें कमी हो किसी चीज़ की वो उसको ज़्यादा उभार के बताता है, ये दिलेर बनता है, बढ़ के मार रहा है। ये 2 दिन जेल चला गया, आप देखिएगा ये सियासत छोड़ देगा, क्योंकि जिन चीज़ों का याद ही है हो सकता है इसको जेल में वो ना मिले, तो ये उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये खुद कहता है कि मैं जेल नहीं जा सकता। ये सब जलसे जुलूस और ये जो है प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है और ख़ुद कह रहा है कि मेरे खिलाफ़ केसेस बन गए। अभी आपने अगर करप्शन की है, मैं नाजायज़ केस के हक में नहीं हूँ क्योंकि मैं उसका खुद विक्टिम रहा हूँ। इसने मेरे पे जो केस डाले वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट्स ने खुद देख लिया कि मैं मेरे पे वो केस बिल्कुल नाजायज़ थे। अगर कोई जायज़ केस है तो ज़रूर बनना चाहिए, अगर बाकियों से हिसाब रोज़ मांगता था तो इससे भी तो हिसाब मांगना चाहिए ना, कि आपने अपने दौर में, और फिर आप मुनाफिक इतने झूठ इतना बोलते हैं कि जी मैं बड़ा पाक साफ, तोशाखाना सारा आपने बेच दिया, आपके घर में अरबों की करप्शन, आपको नहीं पता आपके घर में करप्शन हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि इतने पैसे कहाँ से आ गए, सब इसको पता है।
सारी जिंदगी इसने लोगों की जेबों पे गुजारा किया, लोगों की चीजों पे इस्तेमाल करके गुजारा किया। तो ये मुनाफिक आदमी है, मुनाफकत से भरपूर। और जो शख्स आपके मुंह पे झूठ बोल दे, अब उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता ना जी, आप उसको कैसे डिनाई करें। तो केसेस बनेंगे, बिल्कुल बन रहे हैं, एक दो दिनों में आपको एक दो केसेस मिल जाएंगे जिसमें इसका पूरा कट्टा छट्टा है, हो सकता है कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता चल जाए। तो ये बच नहीं सकेगा, क्योंकि कितनी देर आप झूठ बोल के बच सकते हो, ज़्यादा देर नहीं।